नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, मैं हूं रमन उंगाई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी खेल में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जी हिंदुस्तान से कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अखिलेश भैया से उनकी सियासी चर्चा नहीं होती। अपर्णा का मानना है कि नेताजी का आशीर्वाद आज भी चाचा शिवपाल के साथ है। चाचा शिवपाल ने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है, तो समाजवादी कुनबे में ये खींचतान अभी नजर आने लगी है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन वो अखिलेश की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगी या फिर चाचा शिवपाल के खेमे से ताल ठोकेंगी, ये अभी क्लियर नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर अपर्णा यादव ने जी हिंदुस्तान से खुलकर बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर्णा यादव जी हैं। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। जी बहुत नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या अपर्णा यादव इस बार भी 2022 का चुनाव लड़ेंगी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर? मैं 2022 का चुनाव जरूर लड़ना चाहती हूँ, पार्टी जैसा तय करे। आपकी कोई बात हुई अखिलेश यादव से इसको लेकर के? अभी इस समय नेताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि वो गुड़गांव में एडमिट भी हुए थे अभी मेदांता में, तो पिछले 2 वर्षों से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, इस समय बहुत ख़राब है, तो मेरी इस विषय पे कोई बात नहीं हुई है भैया से। जी अपर्णा जी, एक सवाल तो बताइए कि आपकी बात हुई नहीं, चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आप, लेकिन आप चाहती हैं चुनाव लड़ें, परिवार एक क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको नहीं लगता कि अगर परिवार एक होता तो राजनीतिक लड़ाई और मजबूत होती? मैं तो देखिए बहुत छोटी हूँ उसमें परिवार में, सबसे नई एंट्रेंट हूँ, मुझे अभी एक दशक ही हुआ है, बाकी मेरे से जो बड़े हैं और समझदार हैं, ज़्यादा राजनीति में परिपक्व हैं, उन लोगों को ये निर्णय लेना चाहिए कि किस प्रकार से वो परिवार में एकजुटता लेकर आएं। मैंने हमेशा कहा है अपनी तरफ से कि हमेशा जो है एक रहने से ही शक्ति वर्धन होता है, बाकी बड़े जिस प्रकार से फैसला लेंगे वो हमें शिरोधार्य होगा। आप ये तो बताइए कि आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता, शिवपाल जी या अखिलेश जी, क्योंकि ये कोशिश तो होती रही है कि लोग साथ आ जाएं। देखिए अब आपस में दोनों लोगों ने प्रयास तो करे ही हैं, कई मंच पे बोला गया है, कई बातें हुई हैं। मैं देखिए क्योंकि घर में राजनीतिक उससे हट करके, परिपेक्ष से हट करके मैं उस घर की बहू हूँ, मेरी इच्छा है कि वो लोग एक हो जाएं, पर अगर नहीं हो रहे हैं तो ये उन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, और अगर आपस में बातचीत नहीं हो रही है तो जो बयान आ रहे हैं आप सबके सामने हैं। एक बार बातचीत में शिवपाल जी ने कहा कि मैं 1.5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, अखिलेश कोई जवाब ही नहीं देते, तो आप किसको इसके लिए मानती, क्योंकि परिवार एक था, आप जानती नेताजी ने पूरी पार्टी बनाई, और उसके बाद चूंकि आप नेताजी की बहू हैं, छोटी बहू हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राय कि कौन है जो आगे नहीं बढ़ रहा है? देखिए आदरणीय नेताजी तो हमेशा से देखिए एक बटवृक्ष की तरह रहे हो इस पूरे परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक की वजह से हमेशा उन्होंने एक बटवृक्ष की भूमिका निभाई है। आज तक हमारे कार्यकर्ता जितने लोग आज तक पार्टी से जुड़े हुए हैं वो इस बात का गवाह हैं कि नेताजी ने उनकी सारी जितने जो राय हैं, मशवरे हैं, उनके हर चीज़ सुना है, हर चीज़ बहुत ही ईयरफुली सुना है, मतलब उस चीज़ ये नहीं कि बस सुन लिया और उस पर अमल नहीं किया। तो जिस प्रकार से नेताजी ने राजनीति करी है वो बहुत डिफरेंट थी, और अब जो राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, चाहे वो चाचा जी कर रहे हैं चाहे वो भाई साहब कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट है। देखिए समय काल परिस्थिति के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, पर वो चाहते हैं कि एक हो जाएं ये दोनों लोग। अब ये दो धड़ क्यों नहीं एक हो रहे हैं ये दोनों ये बता सकते हैं, मैं इसमें नहीं कह सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं, मुझे नहीं लगता कि इस बात पे मेरा टिप्पणी करना उचित होगा इस बात पे। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? देखिए अगर एक हो जाते हैं तब तो जाहिर बात है कि आप परिवार के साथ ही हैं, और लेकिन लेकिन दो पार्टियां हैं घर में, एक PSPL एक समाजवादी पार्टी। मैं तो आदरणीय नेताजी के साथ हूँ, नेताजी ही ने मुझे समाजवादी पार्टी की मेंबरशिप दिलाई थी और लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप उसकी पे दस्तखत भी कराए थे जब 2016 में मेरा टिकट घोषित हुआ था, तो मैं तो अभी भी नेताजी के वरद हस्त के नीचे ही हूँ, बाकी नेताजी जैसा कहेंगे अपर्णा यादव वैसा करेगी। शिवपाल जी कहते हैं कि नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ है, है ना, अखिलेश के कार्यक्रमों में भी वो अखिलेश तो कहते ही है, खैर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर
समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ेंगे, पीएसपीएल के सिंबल पर आप लड़ेंगे? नेताजी जिस प्रकार से जो भी कुछ कहेंगे मुझे वो शिरोधार्य होगा। मैं हमेशा से जो भी मैंने किया है आज तक मैंने नेताजी से ही डिस्कशन करके ही किया है। मैं कभी कोई ऐसे काम नहीं करती हूँ जिससे नेताजी आहत हो, तो मैं हमेशा उनसे पूछ करके ही करती हूँ। और जहाँ तक बात है कि चाचा ने ये बात बोली है कि उनके साथ उनका आशीर्वाद है, ये बिल्कुल सत्यापित है। और चाचा ने अनेकों बलिदान दिए हैं पार्टी के लिए, एज अ ब्रदर उन्होंने नेताजी के लिए बहुत कुछ किया है, ये सबको पता है। इसमें मेरे बोलने से ये चीज़ सत्यापित नहीं होती है, मतलब ये चीज़ है, तो डेफिनेटली उन पर भी आशीर्वाद है। और भैया क्योंकि उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, भाई बड़े हैं वो घर में, तो उन पर तो आशीर्वाद होगा ही, ऐसा कोई वो भी नहीं है जी। आपकी बात होती है अखिलेश से? जब हमारे कोई फैमिली फंक्शन होता है तो मतलब ऐसे भेंट हो जाती है उनसे, मगर अभी क्योंकि मैं बताया आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं नेताजी की, तो किसी की तरीके का पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ है हमारे बीच में जी। अभी एक कार्यक्रम था इटावा में, तो मुझे लगता है कि सब लोग वहाँ जुटे हुए थे, परिवार के सारे लोग थे वहाँ। कई बार देखा गया, कई तस्वीरें ऐसी देखी कि बातचीत नहीं हुई चाचा भतीजे में। इतनी दूरियाँ क्यों आ गई, क्योंकि ये तो एक ही थे, क्योंकि हमने तो पूरा इतिहास पढ़ा समाजवादी पार्टी का, ये दूरियाँ क्यों बढ़ गई आपके हिसाब से? देखिए चाचा और भैया में जो भी कुछ हुआ 2016 में, उसमें 2016 से 17 में जो भी कुछ हुआ वो सब इट वाज ऑल आउट इन पब्लिक। आई डोंट थिंक आई शुड स्पीक ऑन इट, मतलब मुझे नहीं लगता मुझे एज मतलब ये गरिमापूर्ण बात नहीं होगी कि मैं अपना डिस्कशन इस प्रकार से, मतलब जी एक बहुत बड़ा माध्यम है, चैनल है, बहुत लोग सुनते हैं इसको, और मुझे नहीं लगता ये कि मुझे लगता है गरिमा के विरुद्ध होगा अगर मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ। नहीं लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं, आप कई बार आपने सरकार की तारीफ कर दी तो आपको लोगों ने बीजेपी का एजेंट कह दिया। ठीक है अगर वो मानते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ उसमें, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं क्या कर, मतलब देखिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ उनके कहने से जो है, पहले भी लोगों ने कहा कि सूर्य जो है वेस्ट से उग रहा है, ईस्ट से नहीं उग रहा है, तो लोग तो कहते ही आए हैं, लोगों का काम कहना ही है, तो ठीक है, मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये ठीक बात है। नहीं लेकिन सरकार के काम की तारीफ कर देना, उसका एजेंट कहना, मतलब लोग, मैं तो देखिए हर चीज जो सत्य है, मैंने कभी भी देखिए अपर्णा यादव ने कभी भी मैं अपने स्टेटमेंट से कभी नहीं पलटी हूँ। आई हैव नेवर रिट्रीव्ड फ्रॉम माय स्टेटमेंट, व्हाट एवर आई हैव सेड इन द पर्सनल एंड द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अ कॉमन मैन। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहती है बने? ये तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पहनती भी नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता है किसकी सरकार बनेगी। जो भाई काम करेगा उत्तर प्रदेश में, जो लोगों के सुख दुख का हिस्सा बनेगा, और जो भी उनको जो है एक लगेगा कि जिसके हृदय में करुणा है उत्तर प्रदेश के वासियों को, तो मुझे लगता है कि वो उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। तो आपका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ तो नहीं है? देखिए आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं। एक चीज और बताइए कि आपकी इधर चाचा से कोई बात हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में ये कहा जाता है कि जब शिवपाल जी राजनीति में तो बहुत व्यवहार कुशल, और अभी भी उनको लेकर के लोगों का परसेप्शन है कि वो मिलते जुलते रहते हैं सबसे, तो आपकी बात हुई होगी, आप ही क्यों नहीं कदम बढ़ाती कि चाचा भतीजे एक हो जाएं? मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ, मैं शुरू से 2016 से लगातार कर रही हूँ, बल्कि इनफैक्ट 2017 में जब चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो किसी ने मुझे जो है कॉलम बना करके चार्ट बनाने लगे, लोग कहने लगे ये इस ग्रुप में है और इनका इनसे नहीं पट रहा है या जो भी है। अच्छा लोगों ने भी बहुत सारे र्यूमर उठाई, भाई हम तो चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए, अब नहीं हो रहा है तो मैं इसमें अब क्या करूं बताइए। अपर्णा यादव अगर जान की बाजी लगा दे तो आप लोग बता दीजिए, वो भी करने के लिए तैयार है। कौन है इसमें जो होने नहीं दे रहा है? ये तो भाई मैं नहीं बोल सकती हूँ इस पे, ये वही लोग हो सकते हैं जिनको लगता होगा कि इससे हमारे निजी फायदे कम होंगे, और हमारी सोच तो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो, उसमें जितने भी कार्य हैं वो जो है सुचारू रूप से हो जाएं सबके, और जो भी ये लड़ाई झगड़ा हुआ था आपस में इन लोगों का ये खत्म हो। मगर जो लोग नहीं चाह रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है और पॉलिटिकल माइंडसेट से ना जा करके, मुझे लगता है वो अपने सेल्फिश पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये काम कर रहे हैं, तो आई थिंक
ठीक है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है और ईश्वर के रूप में मुझे लगता है कि जनता देख रही है, क्योंकि हम कहते हैं ना परमार्थ करेंगे किसके लिए, लोगों के लिए, और परमात्मा किसका स्वरूप है, ईश्वर भाई जनमानस का, तो जनता बताएगी इस चीज़ को। दो सवाल और, 2022 का चुनाव आने वाला है, आपको लगता है कि आपको कितना प्रतिशत लगता है कि ये चाचा भतीजा एक हो जाएंगे और साथ में लड़ेंगे, या आपको लगता है नहीं अब वो बात आगे निकल चुकी है? आप मुझे फिर टीचर का रोल दे रहे हैं। मैं कोई परसेंटेज नहीं निकाल सकती। मैं आई विश गुड फॉर देम, आई विश बेस्ट फॉर देम, बट दे हैव टू डिसाइड इट। आपस में दोनों लोगों को बात करनी पड़ेगी, या जो भी उनके निर्णय होंगे वो उनकी पार्टीज को मानने पड़ेंगे, दैट्स इट। दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ तो आप किसके साथ हैं? पीएसपीएल के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं? नेताजी के साथ हूँ, मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ मैं नेताजी के साथ हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, आज तक मैंने कुछ भी ऐसा बोला नहीं है, करा नहीं है जो नेताजी के इच्छा के विरोध में हो। और हर चीज जो अपर्णा यादव ने बोली है वो नेताजी के आशीर्वाद से ही बोली है। आपके ऊपर ये आरोप तो लगता रहा है कि आप परिवार के खिलाफ जाके बोल देती हैं। देखिए, नेताजी ने तो भरी सभा में, पूरे सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का एक आशीर्वाद दिया, और बहुत बार वो प्रधानमंत्री जी के लोगों की सबकी तारीफ कर चुके हैं, तो उनको कोई नहीं बोलता है। मुझे लगता है मैं छोटी उम्र में इसलिए मुझे बोल देते हैं लोग, एज ए इजी टारगेट, जस्ट इसी को पकड़ लो। तो आप एक बार क्यों नहीं अखिलेश जी से मिलती हैं और कहती हैं कि भाई आप घर के बड़े हैं, आप लव लोग एक साथ चुनाव लड़िए, एक साथ? पता है, वो कोई बच्चे नहीं है, बड़े हैं, हमारे भी बड़े हैं और वैसे भी उम्र में बड़े हैं वो, मुझसे तो बड़े ही हैं, मेरे लिए तो ज्येष्ठ भ्राता के उसमें ही हैं वो हमेशा भूमिका में, पर उनको तय करना पड़ेगा। मैं उनको किसी प्रकार का सुझाव जब तक वो मांगेंगे नहीं तब तक मुझे नहीं लगता कि उचित होगा मेरा देना जी। तो आप चुनाव जाने के लिए तैयार हैं विधानसभा के 2022? मैं तो अपने क्षेत्र में 175 कैंट विधानसभा लखनऊ से तैयारी कर रही हूँ और मैं अपना पूरा देख भी रही हूँ। बाकी देखिए, जो होई सोई वही जो राम रची राखा, तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी जो भी ऊपर वाले के उसमें मर्जी होगी वो होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा यादव जी हमसे बात करने के लिए। तो अपर्णा यादव ने साफ साफ कहा कि चुनाव तो वो लड़ेंगी, किसके सिंबर पर लड़ेंगी ये नेताजी तय करेंगे, और किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय करेगी।